देखते रहिए स्वागत जिंदगी न्यूज जुनून सच दिखाने का। संवाददाता ब्रिजभूषण दुबे स्वागत जिंदगी न्यूज। गोरखपुर विकास खंड रुवा के ग्राम पंचायत पिपरी बुजुंग में सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री महेश कनौजिया द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज्जत घर भौतिक तथा स्थलीय सत्यापन किया गया। ग्राम पंचायत को कुल 605 शौचालय निर्माण हेतु धनराशि निर्गत किया गया, जिसके सापेक्ष 406 शौचालय के फोटो अपलोड कराए गए, शेष 199 शौचालय निर्माणाधीन है। निर्माण हो रहे शौचालय रमाकांत गुप्ता, रिकु देवी, प्रदीप कुमार, सोनू संजय गुप्ता, रंजीत प्रधु, अमलावती देवी, सत्यभामा शंकर, रामकिशन, रामरतन आदि दर्जनों लाभार्थियों द्वारा मानक के विपरीत सेफ्टी टैंक निर्माण कराए जा रहे थे, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। ग्राम प्रधान अफजल एवं सचिव विनोद कुमार एवं स्वच्छता ग्राही संतोष कुमार को कड़ी फटकार लगाई गई तथा उपरोक्त लाभार्थियों को प्रोत्साहन धनराशि तत्काल प्रभाव से रोक देने हेतु सचिव एवं प्रधान को निर्देश दिया गया तथा लाभार्थियों को इज्जत घर निर्माण में उपयोगिता एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई तथा निर्मित शौचालय का प्रयोग कर स्वास्थ्य एवं बीमारियों से निजात के बारे में बताया गया। पिपरी बुजुंग में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र बिना किसी कारण के बंद पाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका अनुपस्थिति मिले इनके विरुद्ध बाल विकास परियोजना अधिकारी उर्वा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी जय सिंह मोय एवं नंदलाल कई दिनों नहीं रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों एवं प्रधानाचार्य पिपरी द्वारा किया गया। सफाई कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा सफाई नायक विनोद कुमार को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया। प्राइमरी पाठशाला पिपरी बुजुंग में प्रधानाचार्य पल्लवी एवं नीलिमा सिंह पुष्पा गुप्ता उपस्थिति रही। विद्यालय में कुल 130 बच्चे पंजीकरण हैं, जिसके सापेक्ष 103 उपस्थित मिले। स्कूल में बाउंड्री एवं हैंड पंप ठीक पाए गए। विद्यालय प्रांगण में बेबी फरेंटले शौचालय बालक एवं बालिका तैयार मिले। ग्राम प्रधान एवं सचिव को निर्देशित किया गया कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत रंगाई पुताई कर सुसज्जित किया जाए। निरीक्षण के दौरान खंड प्रेरक अनुज श्रीवास्तव, गरिमा दस्ता के विजयभान तथा ग्रामीण उपस्थित रहे।